आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, विच इज एन एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ द नी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर MS नरूला, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, अपोलो क्लिनिक्स एंड चंडीगढ़ सिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 8 चंडीगढ़। ये एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी होता है जो एज के हिसाब से हमारा जॉइंट का वेयर एंड टेयर हो जाता है, एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बिकॉज ऑफ सम इंजरी, ट्रॉमा, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम डिजीज, इट हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड। जैसे एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता। सो आज हम अपने आप को लिमिट करेंगे एक ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। सो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि किन किन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। आई कंपेयर इट टू लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर, जैसे एनके लगती हैं, बालों में चिट्टापन आता है। एवरीबडी आफ्टर अ पर्टिकुलर एज इज प्रीडिस्पोज टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। अर्लियर वी यूज टू सी दिस डिजीज आफ्टर 50-55 ईयर्स, पर आजकल हम 40-45 ईयर्स में भी ये कंडीशन देख रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट। ओवरवेट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमारा रिस्क फैक्टर है। Then people who don't eat healthy diet, they don't take proper calcium and vitamin D, and like I said, people who don't exercise. And of course, agar aapki family mein osteoarthritis ki incidence hai, so you are more predisposed to an osteoarthritis. So these are the risk factors of osteoarthritis of the knee. So next question is, what are the signs and symptoms of osteoarthritis? Normally, ek middle-aged person, maybe 40s mein aur 50s mein, humare paas aate hai ki, doc saab, जब मैं नीचे उठ के नीचे बैठता हूँ लो सिटिंग में, तो मुझसे उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता। तो गेटिंग अप फ्रॉम अ लो सिटिंग पोजीशन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ एन ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेटर ऑन ऑफ कोर्स सीढ़ियाँ उतरना और सीढ़ियाँ चढ़ना वो डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली कमिंग डाउन द स्टेयर्स इज पेनफुल, एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स द वॉकिंग स्टार्ट्स टू बिकम वेरी पेनफुल। हमारे पेशेंट्स कहते हैं जी, पहले हम इतने मीटर चल लेते थे, अब थोड़ा सा कदम भी चलते हैं तो नीज में पेन शुरू हो जाती है, और एक एंड स्टेज पे रेस्टिंग पेन भी शुरू हो जाती है। दैट इज़ अगर आप नहीं भी एक्सरसाइज कर रहे, आप बैठे भी हैं, तब भी पेन सिवियर रहती है। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस डिपेंडिंग ऑन आपका नी कितना खराब है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? जैसे मैंने बोला है कि एक एज रिलेटेड डीजनरेशन है। नॉर्मली हमारा नी जॉइंट कुछ ऐसा दिखता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नी जॉइंट है, इसके अंदर दो बोन्स होती हैं और दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है और एक लाइनिंग होती है, और ऑफ कोर्स एक अंदर जॉइंट फ्लूड होता है। ये हमारा कंप्लीट नी जॉइंट बनता है। एज के हिसाब से क्या होता है, हमारा जो ये कार्टिलेज है, जो एक तरह की वॉशर है, ये घसनी शुरू हो जाती है, उसका वेयर एंड टेयर शुरू हो जाता है, जो हमारा जॉइंट फ्लूड है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनिंग, ये भी एक जगह जगह से उसका इरोजन होना शुरू हो जाता है। सो इन नेटशेल मैं ये बोलूँ कि एक हमारा जॉइंट जो है वो एक घिसना शुरू हो जाता है और जॉइंट फ्लूड कम होना शुरू हो जाता है। इसमें एक बात समझनी ज़रूरी है कि पहले हम पेशेंट हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें किसी ने बोला कि हमारी ग्रीस खत्म हो गई। आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड कि ग्रीस खत्म हो गई, बिकॉज हम क्या, जब पेशेंट को ऐसे बोलते थे पहले, तो पेशेंट यूज़ टू गो होम एंड स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, एंड उनका इनफैक्ट वेट बढ़ जाता था, एंड दे वुड वर्सन इन देयर कंडीशन। सो दिस इज नॉट द ग्रीसिंग, इट इज़ अ नेचुरल जॉइंट फ्लूइड विच स्टार्ट्स टू रिड्यूस। सो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन कौन से जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है? जैसे मैंने बोला, किसी भी ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में सबसे कॉमन हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नीज देखते हैं, स्पेशली इन इंडियन पॉपुलेशन, बिकॉज हमें लो सिटिंग की आदत है, हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठते हैं, हमारी इंडियन टॉयलेट पोजिशनिंग है, ऑफकोर्स ओवर वेट तो है ही है, ये वेट बेरिंग जॉइंट है। तो सबसे कॉमन हमारा नी जॉइंट इज सीन इन आर कंट्री। लेट ऑफकोर्स देर आर सम केसेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप एंड अ फ्यू केसेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर एंड हैंड, बट नी फॉलोड बाई हिप इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट जॉइंट्स जो एक ओबीस पेशेंट्स में देखा जाता है। तो इसके लिए क्या क्या हमें इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे। डिपेंडिंग, जब आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, वो सबसे पहले आपका एक्सरे करेंगे, और एक्सरे में क्या दिखता है कि जो आपका जॉइंट के अंदर गैप है, जैसे मैंने बताया नॉर्मली दो बोन्स के बीच में गैप होता है, एक्चुअली गैप नहीं होता, बीच में कार्टिलेज होता है, एक्सरे में हमें सिर्फ वो गैप नजर आता है। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि धीरे धीरे गैप, जो अंदर का गैप है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे नीज का जो अंदर वाला साइड का गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है। दैट इज वाई द फर्स्ट कंप्लेंट यूजली पेशेंट की होती है कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर वाले हिस्से, जॉइंट के अंदर वाले हिस्से में पेन हो रहा है।
और धीरे धीरे वो पूरे जॉइंट में पेन हो जाता है। धीरे धीरे वो जॉइंट स्पेस कम होती रहती है, कम होती रहती है, और एक स्टेज आती है जब दोनों बोन्स आपस में रगड़ खाती हैं, और बिकॉज वो अंदर का जॉइंट स्पेस खत्म हो जाता है तो हमारी लेग की एक बोइंग हो जाती है। तो आप देखेंगे बुजुर्गों में नीज ऐसे बोइंग हो जाती है और अंदर के जॉइंट में पेन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज पे है, देर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अर्ली स्टेज में हम ऑफकोर्स वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो जो कुछ फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एज होना ही होना है, आगे हमारी ऐनक का नंबर लगेगा ही, हमारे बाल भी चिट्टे होंगे, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि हम अपना बॉडी वेट कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो वेयर एंड टेयर है, इसको हम रोक नहीं सकते, वी कांट स्टॉप इट, वी कांट रिवर्स इट। हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं कि जो चीज़ दो साल में ख़राब होनी है हम उसको 5 साल 10 साल आगे लेके जाए। इसके लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेट का रिडक्शन, फिर फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़े से नी के मसल्स के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो हम करने को कहते हैं, और कुछ प्रिकॉशंस हैं डूज एंड डोंट्स जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक तो नीचे सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना, बहुत लो चौकड़ी मार के नहीं बैठना, इंडियन टॉयलेट आजकल हार्डली एनीबडी यूजेज इट, हो सके तो हमेशा एक चेयर पे बैठे। दूसरा बहुत देर खड़े मत रहें, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वर्सन्स द नी, स्पेशली जो इंडियन जो हमारे एक सेटअप में लेडीज बहुत देर खड़े रहते हैं किचन में काम करती हैं तो उससे नी का पेन बढ़ सकता है। सो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग शुड बी अवॉइडेड, लो सिटिंग शुड बी अवॉइडेड, वेट कंट्रोल अपना डेफिनेट रखना है, और नी के एक्सरसाइज अगर हम ये करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में हम ये रिहेबिलिट एक्सरसाइजेज, ये प्रिकॉशंस, और कुछ कार्टिलेज सप्लीमेंट्स आते हैं जो हम देते हैं जिससे, और माइनर पेन किलर्स छोटे मोटे, जिससे नी का काफ़ी आगे तक चल पड़ता है। एक स्टेज और आती है जब हमारा ये कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं अफेक्ट कर रही और पेशेंट को पेन बढ़ रहा है, हम आजकल एक इंजेक्शन लगाते हैं नी के अंदर विच कैन बी सिंथेटिक एज वेल एज एक नेचुरल आपके ब्लड से भी बना, जिससे जॉइंट लुब्रिकेट हो जाता है और इससे भी घुटने की लाइफ 1 से 2 साल बढ़ सकती है। पर ये एक इन बिटवीन स्टेज के लिए, नॉट टू अर्ली एंड नॉट टू लेट। ऑफ कोर्स लेट स्टेज में जब हम देखते हैं कि नी जॉइंट का गैप बिल्कुल खत्म हो गया, हड्डी से हड्डी रगड़ खा रही है, देन अ वेरी ब्यूटिफुल ऑप्शन विच इज़ अ पेनलेस ब्लडलेस सर्जरी, आजकल बहुत ही सेफ और बहुत इफेक्टिव है, इज़ अ टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। सो डेफिनेटली अगर आपका नी बहुत ख़राब है और आप 50-55 ईयर्स के अबव है, आपके एक्सरे में नी जॉइंट बोन्स आपस में टच कर रही हैं और आपको रोज़ उठ के एक पेन किलर खाना पड़ा है, मेरे से पेशेंट अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब कब मुझे नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, मेरा क्वेश्चन एक ही रहता है कि जी दिस सर्जरी इज़ फॉर योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको आपकी रोज़ एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग, रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत आ रही है, आप अपना जो नॉर्मल काम करते हैं, इट कुड बी योर वॉक, इट कुड बी गोइंग टू मंदिर, इट कुड बी गोइंग फॉर एन एक्सरसाइज, अगर आप वो नहीं कर पा रहे, आपको रोज़ पेन किलर खानी पड़ रही है, और ऑफकोर्स अगर आपका पेन बहुत अनबेरेबल है आप अपने कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, और अगर वो देखते हैं कि आपका एक्सरे में काफ़ी ख़राब है, इट कुड बी 50 ईयर्स, इट कुड बी 60-65 ईयर्स, और अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस करेंगे। सो गो टू योर एक्सपीरियंस सर्जन एंड डेफिनेटली गेट इट डन इन गुड टाइम। द सक्सेस ऑफ द सर्जरी इज कि पेशेंट हमारे पास चल के आए और उसको हम चला के भेजें। मैं यहाँ पे एक अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत न्यूअर टेक्निक्स आ गई और बड़े अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स आ गए जिसको हम कहते हैं हाई मोशन रीसर्फेसिंग, जिसमें हम जॉइंट का बिल्कुल ऊपर की एक पतली सी लेयर को चेंज करते हैं, सरफेस को, पूरा जॉइंट नहीं चेंज करते, और इसके साथ पेशेंट अगले दिन ही वॉकिंग शुरू हो जाती है और 5वें दिन पेशेंट चल के जाता है। बट इस सब का एक ही एम्फोसिस हम पेशेंट पे कहते हैं कि उस तक डिले मत करिए जब जॉइंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या बहुत टेढ़ा हो जाए। सो मेरी फिर से आपसे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, डेफिनेटली हम ये नहीं कहते कि आप ये सर्जरी जल्दी कराइए, पर उस स्टेज पे मत आइए जब बहुत ज़्यादा जॉइंट ख़राब हो जाए, ताकि अगर टाइम से कराया जाए तो बहुत मिनिमल बोन कटिंग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि डॉक्टर साहब योगा की कुछ एक्सरसाइज, साइकिलिंग, कौन सी एक्सरसाइज हमारे नी आर्थराइटिस के लिए अच्छी है, सेफ है। मैंने जैसे बोला, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी पोस्चर जिसमें आपको बहुत नी को बेंड करना पड़े, जैसे कि हम योगा में वज्रासन पे या पद्मासन में बैठते हैं, उसको अवॉइड करिए। योगा की बाकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, पर जिसमें आपको नी बहुत बेंड करके बैठना पड़े, पद्मा भार बैठना पड़े, उसको अवॉइड करिए। साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू, साइकिलिंग, स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, पर इवन वॉकिंग यू कैन डू, पर यह है कि डिपेंडिंग आपको कितना पेन है। Running, jumping, skipping should be avoided. That is very important. And like I said, prolonged standing should be avoided. तो मैं अगर हमारे सेट में बोलूँ तो साइकिलिंग इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, और साइकिलिंग कैन बी डन, उससे आपके मसल्स भी स्ट्रांग रहेंगे और आपके जॉइंट पे लोड भी नहीं पड़ता।